आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल लोकल टीवी न्यूज को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी खबर आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबरों पर। पुटुस चौधरी को सुल्तानगंज बाजार से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ पुलिस ने धर दबोचा। डीएसपी छापेमारी दल में शामिल पुलिस बल को करेगी पुरस्कृत। आपको बता दें कि भागलपुर के सुल्तानगंज थाना पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने हत्या और रंगदारी जैसे संगीन मामलों में वांछित और सुल्तानगंज थाना के सामने दिन दहाड़े गोलीबारी करने वाले कुख्यात अपराधी पुटुस चौधरी को एक कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। वहीं आपको बता दें कि विधि व्यवस्था डीएसपी कुमार गौरव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 24 जुलाई 2021 को गौतम चौधरी को अभियुक्त फुटुस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वो फरार हो गया था। फिर इसने जयसूर्या मेडिकल हॉल के दिनकर मंडल से 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में भी इस पे केस दर्ज हुआ था। इसके बाद उसने फिर 13 फरवरी 2022 को कट्टा के बल पर फुटकर विक्रेता से रंगदारी की मांग की थी। वहीं इस मामले में इसके सहयोगी सोनी और लोकेश को पहले ही जेल भेज दिया गया है। आज बरिये पुलिस अध्यक्ष को मिली गुप्त सूचना के आधार पर फुटुस चौधरी को सुल्तानगंज बाजार से हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा गया है। वहीं डीएसपी छापेमारी दल में शामिल सुल्तानगंज थाना पुलिस को पुरस्कृत करने के लिए अनुशंसा की जाने की बात भी कही है। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है कि तीन कांड इनके ऊपर पहले से दर्ज हो चुका था और गंभीर कांड दर्ज किया गया था, मर्डर का कांड, और दो, जैसे आप मैंने बताया कि दो कांड इनके ऊपर रंगदारी का दर्ज किया गया था, और कहीं ना कहीं ये छोटा सा ये गैंग बनाने की कोशिश कर रहे थे सुल्तानगंज में। तो इनकी गिरफ्तारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी गिरफ्तारी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ जैसे कि आप मैंने बताया कि लोकेश यादव और सोनी शाह इसके गैंग में जो है शामिल हो रहे थे, उनको भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो ये और आज भी ये आर्म्स के साथ पकड़े गए हैं, तो एक और इनके ऊपर जो है कांड दर्ज किया जाएगा। भागलपुर से रोशन सिंह की खास रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक आप बने रहे लोकल टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।